गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्लस इसमें मैथ के क्वेश्चंस भी शामिल हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास, मतलब क्या बताओ ये? इसकी कौन सी अवस्था नहीं बताई? मनोलैंगिक अवस्था विकास की 5 अवस्थाएँ, मुखी, गुदी, लैंगिक, सुप्ता, जननेंद्रिय। ठीक है, तो पत्ती में अवस्था कोई नहीं, इंग्लिश में कहते हैं ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल, याद रखना। प्रथमा अवस्था किसने दी है? जेरोम ब्रूनर ने दी है। ठीक है, उनकी इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक है ना, उसी में से है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी, याद रखना। नेक्स्ट, किस अवस्था में बालक चूसना, काटना, निगलना जैसी क्रिया करता है? किस में करता है बताओ? मुख प्रधान अवस्था में ही तो करेगा ये सब। चूसता या काटता किससे? मुख प्रधान से तो करता है, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, फ्राइड ने कौन सी प्रवृत्ति को जीवन के साथ जोड़ा है? तो जीवन के साथ जोड़ा है एरोज को, और थानाटोस को जोड़ा है मृत्यु के साथ, तो दोनों याद रखना। ठीक है, और फ्राइड के साथ फिक्सेशन शब्द जोड़ता है, और फ्राइड के साथ साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ ये किताब है। फ्राइड के 3 शिष्य हैं, हॉर्नी और है आपका यंग और आपका है एरिक्सन, एडलर भी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने काम किया इसके साथ। नेक्स्ट, वे संवेदनाएं जो प्रत्यक्षीकरण भावनाएं जिनके प्रति वर्तमान में हम जागरूक होते हैं। वर्तमान में जागरूक किसके लिए होते हो आप? चेतन मन के लिए ही तो होते हो, 1/10 होता है, अचेतन मन 9/10 होता है। ठीक है, याद रखना, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कितनी भी लगा देना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बोरिंग ने कहा है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बताओ? इन्हें कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, याद रखना। 1898 में दिए थे तत्परता अभ्यास प्रभाव, 3 दिए थे मुख्य नियम, बोरिंग और वो भी दिए हैं वैसे इन्होंने, गौड़ नियम भी दिए। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, बुद्धि के 3 प्रकार, सामाजिक बुद्धि, मूर्त और अमूर्त का उल्लेख किसने किया? थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने मूर्त को क्या कहा है? व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा है। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक बुद्धि को सांवेगिक बुद्धि भी कहा है। क्रमिक विकास का सिद्धांत पूछ ले तो भी थॉर्नडाइक का है, और ये अमेरिका के थे, बिल्ली पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट, बुद्धि को फ्लूड और क्रिस्टल सिद्धांत में किसने प्रतिपादन किया है? तो ये किया है कैटल ने। 16 PF सिद्धांत इन्हीं का है। मानसिक परीक्षण शब्द इन्हीं ने दिया था 1890 में। हमें ऐसा मत करना कि मानसिक आयु सर हमने तो पढ़ा है, बिने ने दिया, वो अलग चीज़ है, मानसिक परीक्षण अलग है, इन्होंने 1908 में दिया था बिने ने। ठीक है, ये सब याद रखना। और इन्होंने सो स्ट्रेट और सरफेस स्ट्रेट बताई हैं। फ्लूड को क्या बताया इन्होंने बताओ? जन्मजात। और क्रिस्टल को क्या बताया? अर्जित। आंसर होगा बी। और इनका एक वो भी है संस्कृति मुक्त परीक्षण भी किया इन्होंने। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ मैं आपको? हाँ, अशाब्दिक परीक्षण था इनका, इतना याद रख लोगे नंबर नहीं कटेगा। बर्ट और बर्मन का क्या था? पदानुक्रमिक सिद्धांत था। नेक्स्ट, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सबसे पहले किया था बिने साइमन ने। ठीक है, याद रखना। तो ये कब किया गया था? 1905 में। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 30 क्वेश्चन थे, 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर किया गया था। ठीक है, याद रखना। और फिर 1908 में मानसिक आयु जोड़ दिया था और 59 क्वेश्चन कर दिए थे, ये सब याद रखना। टर्मन ने फाइनल फॉर्मूला दिया था 1916 में। ठीक है, फिर इसने, इसका नाम था स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसका IQ का फॉर्मूला क्या था? MA/CA/100, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया, तो कैटल थे, ऊपर ही बता रहा था ना मैं। नेक्स्ट, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत में तुलना पिरामिड से की गई, पिरामिड के ऊपरी भाग को कहते हैं स्पीयरमैन के जी कारक को। जी कारक की फुलफॉर्म होती है जनरल फैक्टर, एस की होती है स्पेसिफिक फैक्टर, और बस इतना याद रखो। थर्स्टन ने क्या दिया? समूह कारक। गिलफोर्ड ने बहुकारक दिया, इसमें पहले 120 कारक थे, अभी इसमें 180 कारक हैं, इतना याद रख लें। नेक्स्ट, अब देखो, सांवेगिक बुद्धि को प्रतिपादित करने वाले सांवेगिक EQ का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था बेरोन ने। ठीक है, याद कर लेना, अलग है। देखो, IQ दिया का फाइनल फॉर्मूला किसने किया? टर्मन ने। ठीक है, और एक है शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है बताना आप लोग? शैक्षिक लब्धि ये अवधारणा किसने दी है आप में से बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? EQ वाले का, बेरोन ने प्रतिपादन किया था।
अब आप लोग सोच रहे हो, गोलमैन ने 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी थी, और मेयर और साल्वे व्हाट इज ईआई, ये किताब है इनकी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि को प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? मेयर और साल्वे ने, व्हाट इज ईआई बताया था ना मैंने आपको, और इन्होंने बताया था ईक्यू कितना होता है 80%, आईक्यू कितना होता है 20%, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धि सीखने की योग्यता है, एक बार अगर कोई आदमी सीख लेता है तो घमंड हो जाता है उसे, तो बर्किंग घम, घम से घमंड, ऐसे याद कर लेना, आंसर हो जाएगा सी। प्याजे ने चार अवस्थाएं बताई संज्ञान की, कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ये होती है जन्म से 2 वर्ष, और ये होती है 2 से 7, ये होती है 7 से 11, ये होती है 11 से 15, आंसर सी। नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बेने ने, इसी को कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विकासात्मक पक्ष से संबंधित? विकासात्मक पक्ष किसने दिया? तो विकासात्मक पक्ष दिया, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्याजे हैं। कौन है? प्याजे को कहते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, आंसर होगा सी। थॉमसन ने क्या दिया? बहुकारक। रुको, थॉमसन ने क्या दिया बताओ, आप लोग बताना, मेरे दिमाग से उतर है। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग, मैंने ऊपर ही बता रहा था ना 1908 में, किसने जोड़ा था? बिने ने। अगर कहता मानसिक परीक्षण तो ये जोड़ा था 1980 में, किसने? ये जोड़ा था कैटल ने, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? इनमें पाया जाता है विधेयात्मक, निषेध नहीं पाया जाए, शून्य नहीं पाया जाए, विधेयात्मक को कहते हैं सकारात्मक, ठीक है, ये ऐसे भी याद रख लेना। अच्छा, बुद्धि का ना क्षैतिज बुद्धि तो बढ़ती रहती है, लंबत बुद्धि रुक जाती है कब? किशोरावस्था में, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति में देवत्व मनोविश्लेषण सिद्धांत में प्रयोग किया था, देवत्व किससे रिलेटेड होता है? सुपर ईगो से तो होता है, सुपर ईगो से, और जानवर प्रवृत्ति, जानवर अगर कह दे तो इड से होता है वो, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में संतुलन, सबसे अच्छा संतुलन, सबसे अच्छा व्यक्तित्व या संतुलित रखना है तो वो ईगो हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखना, और बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना, बाहर मतलब बहिर्मुखी, अंदर होता तो अंतर्मुखी। नेक्स्ट, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत में, अगर केवल विश्लेषण सिद्धांत बोल देता तो वो युंग का होता, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का, ठीक है, याद रखना। ये मन का 9/10 भाग होता है ना, तो इसीलिए अध्ययन करते हैं इसका, सब कुछ इसी में रखा होता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया? तो हिप्पोक्रेटस ने दिया था, 4 प्रकार का बताया था, काला, पीला, कफ और रक्त। रक्त वाला खुश होता है, पीला वाला गुस्सेबाज होता है, काला वाला क्या होता है, काला वाला चिड़चिड़ा होता है, नकारात्मक सोचता है, और कफ वाला बिल्कुल शांत रहता है। सेल्डन ने क्या दिया था? ये फिजिक्स एंड कैरेक्टर किताब इनकी, ठीक है, याद रखना बस। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन व पहला वर्गीकरण ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने किया, ऊपर ही बता रहा था, उनकी किताब का नाम बताना। तो देखो चारों बता देता हूँ, ये दिए फिजिक्स एंड कैरेक्टर किसने दिया बताओ, ऊपर ही बता रहा था ना, उसे याद रखना। नेचर ऑफ मैन ये दिए हिप्पोक्रेटस ने, टाइप्स ऑफ मैन दिए स्प्रिंगर ने, साइकोलॉजिकल टाइप्स दिए युंग ने, और युंग की एक और किताब कौन सी है? साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, याद रखना। और ये फिजिक्स एंड दोबारा बता, क्रैचमर की है, क्रैचमर बोल लो, क्रैचमर जो तुम्हें सही लगे। नेक्स्ट, बालक में भाषा विकास का सर्वप्रथम अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? पहली को कहते हैं क्रंदन, फिर उसके बाद आता है बलबलाना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कब से शुरू होता है? जन्म से, ये चीज़ याद रखना, भाषा विकास। नेक्स्ट, इसमें से अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अधिगम ना देखो, अधिगम सार्वभौमिक है, जन्मजात नहीं होता, अर्जित होता है अधिगम तो, जन्मजात होता तो हर कोई अपनी मम्मी से सीख के आ जाता, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि पुनर्बलन तुरंत दिया जाना चाहिए? तो ये कोहलर ने यूज किया है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तो ये दी तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने, मगर पुनर्बलन तुरंत दिया जाना चाहिए ऐसा बताया था स्किनर ने चैनिंग, सेपिंग, इनका कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसी ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये कॉन्सेप्ट दिए, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए इन्होंने, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब का नाम है। पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग करने के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे।
कोहलर ने क्या किया था, गेस्टाल्टवाद ही है। गेस्टाल्टवाद कहाँ से रिलेटेड है, ये है जर्मनी से रिलेटेड, अहा मूवमेंट इसमें होता है, ठीक है। और ये कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, क्या ये सूज का सिद्धांत दिया था ना इसमें वो, और सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या चलता है, निगमन विधि भी चलती है, और क्या चलता है बताओ, विकास भी चलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखोगे, आंसर क्या बताया मैंने आपको इसमें, सी। नेक्स्ट, साइकिल चलाना सीखने के बाद कंप्यूटर चलाना सीखने, साइकिल और कंप्यूटर में कोई मतलब है, कोई नहीं है, शून्य होगा। अगर हेल्प करता है तो सकारात्मक, नहीं करता तो नकारात्मक, और कुछ नहीं होता तो शून्य, आंसर होगा डी। अच्छा, ये सीखना सीखने के ये जो हैं सकारात्मक नकारात्मक क्षेत्र जो शून्य, ये किसने दिए, दिए किसने, ये बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं, देखो स्टेज तो दिए 6, लेवल दिए 3, लेवल को कहते हैं क्या, स्तर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अवस्थाएं, अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी, 6, स्तर हैं 3, अवस्थाएं 6, ठीक है। या इंग्लिश में देख लेना, स्टेज दिए रखी हो तो 6 लगाना, लेवल दे रखे हो तो 3 लगाना, लेवल को वैसे स्तर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेट के संबंध में कौन सी बात कर लेते हैं, टेट को क्या कहते हैं, थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, 1927 में आया था, नहीं ये 1935 में आया था, 1921 में क्या आया था, साई रोसा धब्बा परीक्षण, 10 कार्ड थे, 5 काले सफेद, 2 काले लाल, 3 बहुरंगी, ठीक है। ये अभी याद, ये हरमन रोसा का था। अब ये वाला 31 कार्ड थे, 10 पे आदमी, 10 पे औरत, 10 पे दोनों थे, और 1 खाली जिस पे लिखना होता था खुद को, 14+ वर्ष के लिए था, सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके थॉर्नडाइक को। वुडवर्थ ने बताया था हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, और प्रश्नावली विधि इन्हीं ने दिए, और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दिए, ठीक है। और रूसो ने क्या दिया बताओ, रूसो ने ना ये प्रकृतिवाद दिए, ये याद रखना, 12 वर्ष तक स्कूल मत भेजो ऐसा कहता है, और आंसर क्या है आपका इसका, डी। नेक्स्ट, अधिगम में कौन सा सिद्धांत, सामान्य से कठिन की हो, सामान्य से कठिन की हो, देखो एक तो चलता है आपका विकास, आपकी चलती है निगमन विधि, और आपका चलता है सूज का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, इसमें पूर्णाकार की बात करते हैं, पूर्ण से अंश की हो, और ये 1912 में बर्दीमल लेके आया था, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो मैथ के क्वेश्चन हैं, देखो समझाता हूँ, देखो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आपके पास 12,000 रुपये हैं, ठीक है, एक साइड में लिख लो। अब देखो एक हिस्से को 20% पे, एक को 15% के हिस्से पे ब्याज पे चढ़ा देते हो, ठीक है, इसका तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 5%, ठीक है, 5% की इन दोनों में जो पैसे की कीमत है ना, 5% की कितनी दे रखी, 20, 2000। अब 5 से इसे काट दो, 4000 आ रहा है, कितना आएगा, 4000। तो देखो 5%, 4000 क्या होगी, छोटे भाग की वैल्यू होगी, और बड़े भाग की क्या हो जाएगी, 20% की पूछ रहा है, तो 8000, क्योंकि 12000 ही तो थी टोटल, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि छोटे की 4 और बड़े की 8, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बड़े की पूछ रहा है ना, 20% तो 8000 हो जाएगी, बस सीधे सीधे ऐसे याद रखो। एक मोबाइल फ़ोन और घड़ी की लागत मूल्य बता रहा है 3 और 4 है। मोबाइल फ़ोन में 20% लाभ पे भेजा जाता है, घड़ी 20% हानि पे, तो देखो 3×20% लाभ पे तो 120 बराबर, 4×20% हानि पे तो 80, ठीक है। तो 4 से काट दो 30 बार, और 0 से 0 काट दो, अब ये यहाँ 9 रह गया, यहाँ 8 रह गया, कहाँ दे रखा, ये दे रखा, ऐसे लगा दो। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी, दूध और पानी कह रहा है 21:4 में, और दूध की मात्रा बटा 8 लीटर, 4 की जगह क्या कह रहा है, 8, तो 2×2 है, तो कह रहा है कि पूरे कुल की मात्रा बताओ, कुल मात्रा कितनी, 21 और 4 25 दूनी कितना हो जाएगा फिर, 50, ऐसे याद कर लो। अब देखो और बताऊँ तुम्हें कैसे हो सकता है, 21 और 4 कितनी, 25, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 25 या 5, 5×5 लिख लो, इसे 5 का भाग जाना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हो इसका, कि 21 और 4 25, अब जो भी होगा ना उसमें इसका 25 का तो गुणा होगा ही, ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 50। अब इसमें देखो 5 से ये 54 नहीं करता, 48 नहीं करता, 42 नहीं करता, तो ये भी सब करने की जरूरत नहीं, सब मैंने फालतू कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब देखो इसे सरलीकृत करना है, तो देखो पहले 1 लिख लो, ऐसे समझा करो, देखो थोड़ा दिमाग में किया करो कुछ कैलकुलेशन, 3 और 1 4, और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो इन सबको काट दो, बच कितना गया, 7, 7 को अलग लिख लो। अब 2/3,
प्लस 4/5 प्लस 8/9 माइनस 5/6। अब इन सब का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। कैसे आ जाएगा ये थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 3 से कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। 30 दूनी 60। 5 से कितनी बार कटेगा? 18। आपको ना टेबल्स भी आनी चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब कर लेना अगर मेरे साथ मेहनत करना है तो। अब देखो 5 से कितनी? 18। 18 चौक कितना होता है? 72। प्लस 9 से 10 बार तो 80। माइनस 6 से कितनी बार कटेगा? 15 × 6 = 90 तो 15 × 5 = 75। ठीक। अब 80 में से 75 घटा दो कितना बचा? ये बच गया आपके 5। तो ये सब कट गया, 5 बच गए हैं प्लस के। तो ऐसे अगर आप निकालोगे ना तो आंसर इसका आ जाएगा 8/47 आ जाएगा इसका आंसर। इसे करके देख लेना, बस कैलकुलेशन है अभी। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ मैं जो बताना चाहता वो ये थी, इन दोनों को जोड़ लो, 4 से काट दो, अब 7 अलग कर लो, अब इन सबको अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे करते हैं इसे। नेक्स्ट, अब देखो ये संख्या दे रखी है, इसका परास और बाहुलक कितना भिन्न है तो बताना है। तो परास क्या होता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, सबसे बड़ी में 57 में से 7 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। बहुलक क्या है इसमें? जो सबसे ज़्यादा बार आए तो 11 आए तो 11। अब इसका क्या बता रहा है कि कितना भिन्न है, मतलब डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस निकाल दो। अब कैसे घटाते हो आप लोग 50 में से 11 बताना। मैं 11 नहीं घटाऊंगा, पहले मैं घटाऊंगा 10, तो 50 में से 10 घटाया तो 40 आ गया। अब कितना कम घटाया था? 1। ठीक है, तो 1 और घटा दो, अब कितना बच गया? 39। ऐसे किया करो, एक साथ मत घटाया करो 11। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 10 के 6 के दर से खरीदने पर 6 के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखो रुपए पहले एक साइड लिख लो, 10 के 6 रुपए के नीचे रुपए लिखने होते हैं, 6 के 4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40 = 36। ठीक है, 40 पर कितने का नुकसान हो रहा है? 4 का, 4 × 40। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, 10 × 100, तो आंसर हो जाएगा डी। तो देखो आप लोगों के कहने पे, देखो यार मैंने मैथ चालू किया, वैसे कोई पढ़ता नहीं है मैथ उतना, और व्यूज़ भी नहीं आएंगे मुझे पता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाकी कोई डाउट आए तो वैसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेरे जो मैथ का टारगेट है ना, वही टारगेट ये है कि बिना पेन उठाए, मतलब पेन का यूज़ ही ना करना पड़े आपको। ठीक है, इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।